जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हाई स्कूल का जो लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है क्लास टेंथ बायोलॉजी जो हाई स्कूल की है और ये अध्याय दो है नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। मैंने पहले लेक्चर मैं अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, तो दोस्तों ये दूसरा लेक्चर है चैप्टर टू का। दूसरा लेक्चर में बात कर रहा हूँ मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मानव मस्तिष्क के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों मानव मस्तिष्क को बात करने से पहले कुछ इसके बारे में अलग बातें कर लेता हूँ। दोस्तों आखिर इस चैप्टर में नियंत्रण एवं समन्वय ब्रेन कहाँ से आ गया? दोस्तों आप जानते हैं कि सारा हमारा काम सारा वर्क हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे ब्रेन से होता है। दोस्तों बिना ब्रेन के हम सोच नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं विदाउट ब्रेन की वजह से। तो दोस्तों आज हम ब्रेन की बात करने से पहले एक छोटी सी हेडिंग थी जो मैंने उसको छोड़ दिया था, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बात कर ले रहा हूँ, शायद आप समझ जाएंगे। उसका नाम है प्रतिवर्ती क्रियाएं। उस हेडिंग का नाम है प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन करता कौन है? दिमाग हमारा करता है, हमारा ब्रेन करती है, हमारी नर्वस सिस्टम करते हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। दोस्तों तो प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं कि अकस्मात हो जाती हैं, हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हो जाता है, अकस्मात हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, रोड पर जा रहा हूँ, पीछे से बोलेरो वाला आया या फोर व्हीलर वाला आया, तो अगर वो हॉर्न बजाएगा तो हम तेज़ी से हम मतलब अचानक आश्चर्यचकित होकर वहाँ से भाग जाते हैं या नीचे निकल जाते हैं, ऐसा हो जाना है। या साइकिल चला रहे हैं, अचानक कीड़े मकोड़े हमारे आँख में आ जाते हैं तो तुरंत साइकिल रुक जाता है, आँखें बंद हो जाती हैं। तो ये सारी क्रियाएं, या आप किसी जानवर के पास बगल से जा रहे हैं तो जानवर अगर थोड़ा सा इसे देख लेता है तो फटाफट से भाग जाते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार मैं इसे बात करता हूँ, सारा हमारा काम ब्रेन के बिना हो जाता है, यानी उसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, ये बिना इच्छा से हो जाती हैं, बिना इच्छा से, उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ये अनैच्छिक पेशियां हैं, ये हमारी अनैच्छिक पेशियां में ना हमको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मैं इस अंगुली को आग में डालूंगा तो जानते हो अंगुली क्या होती है, अंगुली जल जाती है, फटाक से मुंह में डाल लेते हैं, हमको प्रॉब्लम होने लगती है, जलन होती है, हमको मालूम पड़ जाता है। दोस्तों तो इस हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, कम टू द पॉइंट। तो मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, तीन भाग होते हैं, एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों आप जानते हैं अग्र मस्तिष्क क्या होता है, ये जो आगे जी अग्र मस्तिष्क, कुछ लोग इतना सोच लेते हैं आगे वाला बाल सब झड़ कर गायब हो जाता है, तो ये अग्र मस्तिष्क होता है। क्योंकि अग्र मस्तिष्क काम क्या होता है, सोचना, ठीक है, टॉकिंग, लर्निंग, थिंकिंग, ये काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। तो इतना सोच लेंगे बेचारे ना कि बाल इतना झड़ कर निकल हो जाए, गंजूदास हो जाएंगे। अगर मध्य मस्तिष्क की बात करूँ, जहाँ हम लोग तेल को रखते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, फॉर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन बोलते हैं। तो मध्य मस्तिष्क ये होता है, और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ये हमारे पीछे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा वन मस्तिष्क जुड़ा होता है, सेरिबेलम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क दो पार्ट में बटा होता है, दो पार्ट में, प्रमस्तिष्क और डाइन्सीफेलान। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो दो भाग में बटा होता है, प्रमस्तिष्क और डाइन्सीफेलान। प्रमस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रम एंड डाइन्सीफेलान। तो हमारा अग्र मस्तिष्क, ये वाला जो अग्र मस्तिष्क होता है, इतना पार्ट होता है, वो अग्र मस्तिष्क दो पार्ट में बटा होता है, वो सेरिब्रम होता है और डाइन्सीफेलान होता है। और ध्यान दीजिएगा, इस प्रमस्तिष्क में, इस सेरिबेलम में चार दरारें होती हैं। वो दरारे का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, फ्रंटल पाली है, पैराइटल पाली है, ऑक्सीपिटल पाली है और टेम्पोरल पाली है। या मैं लिख दिया हूँ, फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली और टेम्पोरल पाली और ऑक्सीपिटल पाली, ठीक, इसके काम होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और जो ये अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, इसका काम ये होता है हृदय की गति,
को नियंत्रित करना, हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है और भोजन ग्रहण करने में नियंत्रित करता है और सांस लेने में जो दिक्कत होती है, सांस लेने में जो दिक्कत नहीं होती है उसको भी ये नियंत्रित करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बोलना, चलना, बातें करना, ये सब दिमाग लगाना, ये सब अग्रमस्तिष्क होता है। लर्निंग, सीखना, बातें करना, ठीक है, ये सब हमारे अग्रमस्तिष्क होता है। अब डायनसीफेलान की बात कर लेते हैं, तो डायनसीफेलान होता है ये इस भाग से पीनियल काय तथा पीयूष ग्रंथि निकलती है। तो ये जो डायनसीफेलान होता है उसके बगल में पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे पूरे शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, जिसे हम पूरे पार्ट का, हम पूरे ग्रंथियों का हम लगाम बोलते हैं, पूरा मास्टर बोलते हैं, बिना इसके कहे से कोई काम नहीं हो सकता है, ना हार्मोन निकलेगा ना कुछ होगा। तो ये पीयूष ग्रंथि जो होता है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जब गाय या भैंस की जब बच्चा देती है वो, तो उस समय जो गांव की औरतें होती हैं बोलती हैं पीयूष निकल रहा है, तो पीयूष नहीं होता है, वो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वो हार्मोन होता है। दोस्तों ये डायनसीफेलान का काम है, और थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस इसी के भाग हैं, इसी से डायनसीफेलान से थैलेमस और हाइपोथैलेमस ज्वाइंड होते हैं। चलो दोस्तों दूसरा बात कर लेते हैं मध्यमस्तिष्क की। मध्यमस्तिष्क ये भाग जो है छोटा होता है, छोटा ये होता है, ये भाग जो मध्यमस्तिष्क होता है, अग्रमस्तिष्क मध्यमस्तिष्क के बीच में होता है और बहुत छोटा होता है। शरीर का संतुलन नेत्र पेशियों का नियंत्रण करता है, ठीक है। अब ये जो मध्यमस्तिष्क है हमारे शरीर का संतुलन, गर्मी हुआ, वर्षा हुआ, ठंडी हुआ, जो भी होता है ये हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अब ऐसा नहीं कि हम ठंडी के सीजन में उघेलने ही पड़े रहें बिना कपड़े के, जो है कि उसको कोई दिक्कत हमको ना हो, ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, मध्यमस्तिष्क है। मध्यमस्तिष्क बता देता है कि जाओ, जो है कि तुमको ठंडी लग रही है, तुम कपड़े को पहन लो, ठीक है, स्वेटर पहन लो, ये सारा काम मध्यमस्तिष्क करता है। ध्यान दीजिएगा, नेत्र पेशियों का नियंत्रण, जैसे हमारा जो नेत्र है इस प्रकार से खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो ये क्या होता है, हमारे मध्यमस्तिष्क काम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके आँख के सामने मैंने ऐसे कर दिया, तो आप अचानक बंद कर देते हैं, तो ये मध्यमस्तिष्क करता है। चलिए आगे बात करते हैं पश्चिमस्तिष्क की। ये हमारे जो पश्चिमस्तिष्क होता है, जहाँ ये जो बाल से आप जो झाड़ते हैं, पीछे वाला कंघी लगाते हैं, ये क्या है, पश्चिमस्तिष्क है, ठीक है। ये इधर तो बच्चे को बिल्कुल नहीं माना चाहिए, अगर इधर कायदे से कर अच्छे से चोट लग जाए तो समझ लीजिएगा कि व्यक्ति पागल हो जाएगा, वो कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ से हमारे तंत्रिका तंत्र की जो नाड़ी होती है, मेन वायर, यहाँ पर ज्वाइंट होती है पश्चिमस्तिष्क से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया इसके दो पार्ट होते हैं, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। आप किसी को अगर यहाँ चोट लग गई तो गेटा ही खुल जाएगा, यानी एकदम बेकार हो जाएगा आप। तो पश्चिमस्तिष्क जो होता है, ये जो हिंड ब्रेन होता है, ये मेन पार्ट होता है। ये अनुमस्तिष्क बोलते हो सेरी बेलम, ये बेलनाकार होता है, जैसे जो रोटी बनाने वाली होती है, ये सेरी बेलम जो बेलम होता है, ये अनुमस्तिष्क बेलनाकार होता है। जैसे रोटी, इसका नाम कैसा है, सेरी बेलम, यानी बेलनाकार होता है, तो अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरी बेलम बोलते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है। तो सेरी बेल अनुमस्तिष्क पश्चिमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम का काम ये होता है, ऐच्छिक पेशियों का गति नियंत्रण करती है। ऐच्छिक पेशियां, जैसे मैं मार्कर पकड़ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, मुंह डुला रहा हूँ, आपको चिढ़ा रहा हूँ, ये सारे काम हमारे ये पश्चिमस्तिष्क के अनुमस्तिष्क से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, और हाथ पैरों की गति बेकाबू हो जाना, कभी कभी क्या होता है कि हाथ पैर हमारे बेकाबू हो जाते हैं, यानी चलना, हमारे जो हाथ पैर चल रहे हैं, टहल रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई भी हम उठा रहे हैं सारा, तो ये हाथ पैरों इसका अगर काम करना बंद कर देता है, अगर अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो हाथ पैरों की गतियाँ बेकाबू हो जाती है, बोलते पैरालाइज्ड हो गया, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या है,
इससे होता क्या है, छींकना खांसता, जो व्यक्ति छींकता है खांसता है उल्टी करता है ओमिट करता है, हृदय की जो गति होती है श्वसन की गति होती है रक्त जो रक्तदाब होता है, ये सारे जो प्रक्रियाएँ मेडुला ब्लांकेटा से वो कंट्रोल होते हैं। मेडुला ब्लांकेटा छींकता व्यक्ति है तो मेडुला ब्लांकेटा आदेश करता है, खांसना भी उल्टी करना भी, हृदय की गति हार्ट बीट तेज हो जाना, आपके ऊपर मैंने सांप को उठा के फेंक दिया तो आप डर जाते हैं, हृदय की गतियाँ तेज स्पीड हो जाती है, तो कौन करता है, ये मेडुला ब्लांकेटा करता है। श्वसन की गति, अब श्वसन गति अच्छे से अब दौड़ते हैं तो श्वसन गति स्पीड से बढ़ जाती है तो ये मेडुला ब्लांकेटा करता है। और रक्त दाब, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर, ये भी मेडुला ब्लांकेटा से होता है। तो दोस्तों ये हृदय के जो कार्य थे कुछ पार्ट में जो का था मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया, इसमें से जो भी आपका एग्ज़ाम में आएगा उससे आपका आराम से आपका तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अग्रमस्तिष्क काम में थोड़ा ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे कि ताले मेथी अग्रमस्तिष्क, जैसे मैं कह दूँ कि ता ले मे थी थी अग्रमस्तिष्क, तो टॉकिंग लर्निंग थिंकिंग, तो ताले में थी क्या अग्रमस्तिष्क, ताले में कौन था अग्रमस्तिष्क, तो ताले में थी अग्रमस्तिष्क, तो अग्रमस्तिष्क काम होता है टॉकिंग लर्निंग एंड थिंकिंग, यानी टॉकिंग बोले तो बातचीत करना, लर्निंग माने सीखना और थिंकिंग माने सोचना समझना, ठीक है। अगर व्यक्ति जब बियर पी लेता है, विस्की पी लेता है, रम पी लेता है, ब्रांडी पी लेता है, या वो कोई चरस पी यूज़ कर लिया या ड्रग्स यूज़ कर लिया है तो उसका अग्रमस्तिष्क काम करना इतना बंद कर देता है। कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो देखते हैं ना अजीब ढंग का चलता है, अर्थात उसका शरीर पूरा जो ब्रेन होता है वो बेकार, अगर उसे कहें भाई तुम इधर से जाओ तो बोलेंगे नहीं मुझे इधर से ही जाना है, तो ये अग्रमस्तिष्क जो होता है, अग्रमस्तिष्क सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। टॉकिंग लर्निंग थिंकिंग, ना वो सही हिसाब से बात जो पी जो ड्रिंकर रहेगा ना सही हिसाब से बात करेगा, ना सही से आप जो आप कहेंगे ना उसको सीख पाएगा और ना वो सोच पाएगा, अर्थात ये हमारे सारे काम अग्रमस्तिष्क से होते हैं। तो दोस्तों मैं इस लेक्चर में मैं इसके बारे में सारे आपको बता दिए हैं दोस्तों, कल मिलूँगा मैं आपको अगला लेक्चर दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।